बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हम कौन से नंबर के व्यक्ति हैं, हमारे नंबर्स क्या हैं। न्यूमरोलॉजी जो भी लोग पढ़ते हैं, जिस न्यूमरोलॉजी की बुक्स पढ़ते हैं या ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं या किसी भी तरह से जो जानकारी रखते हैं, एक जनरली परसेप्शन है सब लोगों की कि जो डेट ऑफ बर्थ से दो डिजिट्स निकल के आते हैं, जो दो नंबर्स निकल के आते हैं, जिनको नॉर्मली ड्राइवर कंडक्टर कहते हैं, कुछ लोग मूलांक जन्मांक कहते हैं, हम बस वो दो नंबर ही आपके नंबर्स माने जाते हैं, वही आपके लकी नंबर्स हैं या वही नंबर्स हैं और आपके वही नंबर माने जाते हैं। हमारे एस्ट्रोन्यूमोलॉजी सिस्टम में, न्यूमरो वास्तु का अपना रिसर्च बेस्ड सिस्टम है, उसमें भी हम कहते हैं कि ये दो नंबर्स आपकी लाइफ के दो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं और ये नंबर्स आपकी पर्सनैलिटी को, आपके एग्जिस्टेंस को गवर्न करते हैं। यही वो नंबर्स हैं जो प्राइमरीली, अगर आप कहें कि आप किस नंबर के व्यक्ति हैं, तो आप इन दो नंबर्स से रिलेटेड व्यक्ति हैं, ये नंबर्स आपको अपने मान लेने चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़े से हमें और डिटेल भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि जी हम इस नंबर के व्यक्ति हैं, हमने ये उपाय करा और हमें फ़ायदा नहीं हुआ, या फिर हमने फॉर एग्जांपल 8 नंबर, हमारा जो जन्मांक है 8 है और फलाने न्यूमरोलॉजिस्ट ने हमें नीलम एडवाइज़ किया और जब से हमने नीलम पहना हमें तकलीफ हो गई, तो ये इसका कारण क्या होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात हमें समझनी है कि नंबर्स की अवधारणा क्या है न्यूमरोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में इफ़ेक्ट कैसे आता है, इसको हम एक अलग वीडियो में आपको बता चुके हैं, जो अगेन इट्स द ओरिजिनल वर्क ऑफ न्यूमरो वास्तु, इससे पहले और किसी ने इस किस्म की बात नहीं की। और अब वो इफ़ेक्ट क्यों नहीं आ पाता, वो समझने की ज़रूरत है। ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो इस वक्त कॉन्सेप्ट है, हम लोग पूरे संसार में उसको फॉलो करते हैं, वहाँ पे दिन जो है वो रात को 12 बजे के बाद, जब 24 घंटे पूरे होते हैं, रात को 12 बजे के बाद हम सोचते हैं कि नया दिन स्टार्ट हो गया। लेकिन एक्चुअली जो इफ़ेक्ट स्टार्ट होता है, जो कि हमारे ट्रेडिशनल वैदिक सिस्टम जो है, इंडियन वैदिक सिस्टम है, उसमें भी यही समझा गया है, सूर्योदय के साथ दिन की अवधारणा ली गई है, सनराइज़ के साथ एक नया दिन की शुरुआत होती है, एक नए जीवन की शुरुआत होती है। तो नॉर्मली जो लोगों का फॉर एग्जांपल 3 तारीख का जन्म है और अर्ली मॉर्निंग का जन्म है, सूर्योदय से पहले का है, मान लीजिए रात को 2:30 बजे का है या 3 बजे का है, तो वो इफ़ेक्ट पुराना जो एक डेट पीछे का डेट का इफ़ेक्ट है वो कंटिन्यू हो रहा होता है, हालांकि वो रिड्यूसिंग होता है और नई डेट का इफ़ेक्ट स्टार्ट हो रहा होता है। तो एक ट्रांजिशन फेज़ होती है, जैसे जैसे हम सूर्योदय के नज़दीक आते हैं ट्रांजिशन लेवल और नज़दीक आता जाता है और फिर डेट चेंज होती है। तो ऐसे कोई एब्रप्ट लाइन नहीं है कि जहाँ इस लाइन से पहले फॉर एग्जांपल रात के 12 बजे के बाद दूसरी डेट हो गई, उससे पहले पिछली डेट हो गई। ये एक लॉजिकल माइंड के लिए सही है, लेकिन प्रैक्टिकली इफ़ेक्ट जो आता है वो एक फूल की खुशबू की तरह से होता है कि आप एक बागीचे में हैं और वहाँ पर एक फूलों का एक जगह पर एक इकट्ठा एक ग्रुप है एक वहाँ पर, और दूसरे फूलों का दूसरी जगह पर है, और उनके बीच में आप आएंगे तो थोड़ी खुशबू इस फूल की भी होगी और थोड़ी खुशबू उस फूल की भी मिलेगी आपको। तो अपने नंबर्स को पहचानते समय, आपके जो रूलिंग नंबर्स हैं, गवर्निंग नंबर्स हैं, उनको पहचानते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका जन्म का समय क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एस्ट्रोनिमोलॉजी में तो इट इज़ ऑफ प्राइम मोस्ट कंसर्न। तो अगर आप ये कहते हैं कि आप 5 नंबर के हैं और आपके जो फिज़िकल फीचर्स हैं, आपके एट्रीब्यूट्स हैं, वो आपको 4 का रिफ्लेक्शन देते हैं, तो फिर आपको 4 नंबर को ध्यान करना चाहिए। और अगर कोई भी आप प्रिडिक्शन देख रहे हैं, भले वो न्यू ईयर की हो, भले वो इन जनरल हो आपके बारे में, आपको उसको 4 नंबर वाली एट्रीब्यूट को भी ध्यान में करना चाहिए। इन जनरल डेट ऑफ बर्थ आपका आपके नंबर बताता है, आपके नाम के डिजिट से भी आपका एक नंबर निकल के आता है, वो भी आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, स्पेशली आपके कर्म को इन्फ्लुएंस करता है, आपकी वर्किंग आपकी जो वर्किंग मेथडोलॉजी है उसको इन्फ्लुएंस करता है, आपके एटीट्यूड्स को गवर्न करता है, काम करते समय आपकी इंटेंशन क्या है उसको गवर्न करता है। लेकिन आप किसी व्यक्ति को देख के भी थोड़ा बहुत एक अंदाज़ा लग सकता है, जैसे नॉर्मली 1 नंबर का कोई व्यक्ति है तो वो बहुत पतला दुबला सा दिखेगा आपको, नॉर्मली पतला दुबला व्यक्ति होगा, जैसे कि स्टीव जॉब्स हैं या टिम कुक हैं, एप्पल के सीईओ, इस तरह की जो पर्सनैलिटी है वो 1 नंबर के व्यक्तित्व को दर्शाती है। 2 नंबर का व्यक्तित्व के चेहरे पर उभार सा आपको दिखेगा, ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा होगा, ऐसा आपको अगर नज़र आता है तो व्यक्ति आप 2 नंबर का आप समझ सकते हैं। 3 नंबर का व्यक्ति आपको बड़े चेहरे वाला, भारी जो चौड़ा माथा है, ये फोरहेड चौड़ा माथा का होगा, उनके चेहरे पे आपको विजडम फील होगी, जैसे कि अमर्त्य सेन है, नोबेल प्राइज़ विनर हैं इंडिया से, और अमर्त्य सेन जी का जैसा फेस है वैसा आप नंबर 3 का फेस समझ सकते हैं। 2 नंबर वाले व्यक्ति का बेडौल शरीर भी हो सकता है, और 3 नंबर वाला भारी शरीर होगा ज़रूर लेकिन बेडौल नहीं होगा। 4 नंबर वाले के लिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि सिर्फ चिन अगर लंबी है किसी व्यक्ति की, ये चिन वाला पार्ट लंबा है या एक नॉर्मल एबनॉर्मलिटी है फेस पे, तो वो व्यक्ति नॉर्मल 4 से रिलेटेड पूरे होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। नंबर 5 वाला व्यक्ति आपको बहुत बबली लाइवली लगेगा, ज़्यादा बात करने वाला होगा, स्पॉन्टेनियस होगा।
हाजिर जवाबी जो है 5 नंबर की है, और ओवल फेस होना ये नंबर 5 का एट्रीब्यूट है। 5 नंबर का व्यक्ति नॉर्मली ऐसे सा दिखते हैं। नंबर 6 जो है वो अगेन नंबर 6 में शार्प फीचर्स हो सकते हैं, या लग्जरी के प्रति, कंफर्ट के प्रति बहुत हाई उनकी सेंसिटिविटी हो सकती है। उनको समझ में आता है कि भाई ये ब्रांडेड चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है, या इसके लिए मेरे को अच्छी है ये फीलिंग अच्छी है, नॉन ब्रांडेड चीज़ मेरी प्रेफरेंस नहीं है। नॉर्मली ब्रांडेड चीज़ को प्रेफर करने वाले, बहुत लग्जरियस लाइफ लीड करने वाले, एलिगेंट लिविंग और स्मार्टली आपको नज़र आएंगे वो लोग स्मार्ट प्ले करते हुए। ऐसे लोग नंबर 6 की वाइब्रेशन एमिट करते हैं। नंबर 7 वाला व्यक्ति आपको देखेगा, नॉर्मली फेस कम प्रोमिनेंट होगा, बॉडी ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, तो ऐसे व्यक्ति को आप समझिए कि ये नंबर 7 का है, जो लूज़ कपड़े पहनते हैं, काइंड ऑफ जैसे जो ढीले कपड़े होते हैं, गाउन जैसे फीमेल्स पहनती हैं इस तरह के कपड़े होते हैं, ये इस तरह के कपड़े नंबर 7 के हैं। साड़ी जो वियर है, कुर्ता जो है, इस तरह का रेक्लूसिव टेंडेंसीज आपको नज़र आएंगी थोड़ी सी, वो नंबर 7 की होती हैं। स्पिरिचुअल कॉनोटेशंस भी होती हैं, वो नंबर 7 के व्यक्ति आपको देख सकते हैं। और 8 नंबर के व्यक्ति बहुत स्टाउट बॉडी होती है, गठवा बदन होगा उनका, ये 8 नंबर का फीचर है। थोड़ा सांवला रंग भी हो सकता है। और 9 नंबर वालों का स्क्वेरिश फेस या स्क्वेरिश बॉडी, शार्प एजेस आपको नज़र आएंगे, चकोर सा चेहरा, और एक्शन ओरिएंटेड होंगे, काम करने में लगे होंगे। नॉर्मली या तो जॉब में होते हैं या कोई फैक्ट्री चला रहे होते हैं, फिजिकल टेक्निकल वर्क में होते हैं, इस किस्म के होते हैं। तो एक फिज़िकल एट्रीब्यूट्स के द्वारा लोगों को पहचाना भी एक एट्रीब्यूट है। इसकी डिटेल चर्चा तो एस्ट्रोनोलॉजी वर्कशॉप में हम लोग करते हैं, जहाँ लाइव केस स्टडीज़ होती हैं लोगों को पहचानने के ऊपर। पर आपके डेट ऑफ बर्थ के डिजिट्स के अलावा और भी तरीके से नंबर्स आपके ऊपर इन्फ्लुएंस देते हैं, पर प्राइमरीली यदि डेट ऑफ बर्थ के आधार पर आप अपने नंबर्स को पहचानना चाहते हैं, तो आपको सूर्योदय का भी ध्यान रखना चाहिए और फिजिकल आस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो काफ़ी हद तक आप नंबर्स को पहचान पाएंगे, और फिर आप अपना एनालिसिस करेंगे, अपनी लाइफ का एनालिसिस का कोशिश करेंगे, या आप कोई वीडियो देखेंगे तो आप बेहतर उसका लाभ ले पाएंगे। आपको पता लगेगा कि मुझे 6 नंबर का वीडियो देखना है कि 5 नंबर का वीडियो देखना है। तो इस आधार पे आप करें और अपनी लाइफ, न्यूमरोलॉजी के द्वारा अपनी लाइफ में आप पूरा फ़ायदा लें, ऐसी हमारी इच्छा है।